अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट डिलीशियस। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बड़ी ईद की तैयारी भी कर रहे होंगे। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बड़ी ईद स्पेशल मटन यखनी पुलाव। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट इट इज सो डिलीशियस, ये सबको बहुत पसंद आएगी और ये बनाना भी बहुत ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। मटन यखनी के लिए मैंने लिया है 1/2 kg मटन। उसमें ऐड करें 1 onion, गार्लिक क्लव्स ऐड करें, रेड चिली बटन्स ऐड करें, इलायची ऐड करें, सूखा धनिया ऐड करें और सौंफ ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिनेमन स्टिक, लौंग ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर कॉर्न्स ऐड करें, 1 teaspoon जीरा ऐड करें, बे लीव्स मैंने क्रश करके ऐड किए हैं 2। अब हम इसमें स्टार एनीज ऐड करेंगे और 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। अब हम इसमें अबाउट 1 liter पानी ऐड करेंगे और ऐड करेंगे 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर एंड 1 teaspoon गरम मसाला। अब हम इसको एटलीस्ट 20 minutes के लिए पकने देंगे। अगर ये बीफ है तो आप 25 to 30 minutes कर सकते हैं। पुलाव बनाने से पहले मैंने एक बाउल में 2.5 cup राइस लिए हैं, उनको मैंने 2 से 3 बार वॉश करके भिगो दिया है। यूज बेस्ट क्वालिटी राइस एंड मेक श्योर कि आप 30 minutes पहले उसको सोक करके रख दें फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अब एक पॉट में थोड़ा सा ऑयल गरम करें और उसमें ऐड करें 2 medium sliced onions। अनियंस को हम फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर और उसमें ऐड करेंगे बे लीव्स, 2 star anise, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग ऐड करेंगे, 1 teaspoon जीरा और 3 से 4 काली मिर्चें ऐड करेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप इसमें छोटी सी सिनेमन स्टिक भी ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी ये बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसको फ्राई करके इसमें हम ऐड करेंगे मटन यखनी में से निकाल के, और मटन को भी हम 5 minutes के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसका अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 cup ऑफ टोमेटो प्यूरी, आप इसमें चॉप टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। सॉल्ट थोड़ा सा तेज होता है इसीलिए आप अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लें और ऐड करें चॉप्ड ग्रीन चिलीज। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जब मसाला भून जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। मेक श्योर कि आप राइस से डबल क्वांटिटी में यखनी ऐड करें। जब यखनी को बॉयल आने लगे तो इसमें सोक्ड राइस ऐड कर लें। अब एक बार चावल को हल्का सा हिला लें और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दें ताकि चावल अच्छी तरह से बन जाए। नाउ यू कैन सी ये बहुत ही अच्छी तरह से बन रहे हैं। इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक यखनी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। एट दिस पॉइंट हम इसमें बहुत ज्यादा चम्मच नहीं लगाएंगे, अदरवाइज चावल टूट सकते हैं। दम लगाने के लिए हम इसके ऊपर 1 teaspoon जीरा ऐड करेंगे। दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी नाइस अरोमा। अब हम इसको 10 टू 15 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। अब हमारा मटन पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है एंड यू कैन सी दिस इज गिविंग अस अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। चावल बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं और खुशबू इससे भी ज्यादा जबरदस्त थी। लेट्स सर्व इट नाउ। आप इसको अपनी मर्जी के पुदीना रायता या किसी भी टाइप के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। और सर्व इट विद शामी कबाब और एनी टाइप ऑफ कबाब ऑफ योर चॉइस। Thank you so much for watching. One more thing, Just Delicious is on Facebook, Instagram and TikTok. अगर आप मुझे वहाँ follow नहीं कर रहे तो you are missing out a lot of content. So make sure कि आप मुझे वहाँ follow भी करें and don't forget to subscribe to my YouTube channel. I'll see you next time with my new video. Take care and Allah Hafiz.